भारत के पर्वतीय स्थल विश्व के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में शुमार किए जाते हैं। शांत वातावरण, दूर तक फैली अनंत हरियाली, विशाल रेगिस्तान, सुंदर घाटियों और काल्पनिक झीलों से सुसज्जित भारत के हिल स्टेशन आपको सबसे अच्छी छुट्टियां बिताने का सुखद अनुभव प्रदान करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सैर सपाटा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यह स्थान भारतीय परिवारों और हनीमून कपल्स के लिए एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिमला औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। शिमला अभी भी सुंदर औपनिवेशिक वास्तुकला, पैदल यात्री अनुकूल मॉल रोड और कई दुकानों, कैफे और रेस्टोरों के साथ अपनी प्राचीन विरासत को बरकरार रखे हुए है। संस्कृति, शिमला की संस्कृति ने आज भी पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक विचारों के बीच एक संतुलन को प्रदर्शित किया है। पारंपरिक विरासत और ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई है शिमला की संस्कृति। यहाँ के अधिकतर लोग अंग्रेजी और हिंदी भाषी हैं। समर हिल्स और जाखू हिल। समर हिल्स शिमला का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल है। 7 प्रमुख हिल जो शिमला में बेहद मशहूर हैं, समर हिल्स इनमें से एक है। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है। जाखू हिल शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी है। यहाँ पास में ही हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। दी स्कैंडल पॉइंट रिज, यहाँ से आप शिमला की खूबसूरती को निहार सकते हैं। स्कैंडल पॉइंट स्थान पर एक प्रसिद्ध पुस्तकालय भी है। दूर दूर तक फैली हरियाली, बर्फीली पहाड़ियाँ और घाटियों के नज़ारे आप यहाँ से ले सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, अंग्रेजों द्वारा 1880 से 1888 के बीच इस स्थान को ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर बनवाया गया था। 1965 में इस स्थान को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा एक इंस्टीट्यूट में तब्दील कर दिया गया। अन्नान दाले और चैल, औपनिवेशिक काल के दौरान अन्नान दाले ब्रिटिशर्स के लिए पोलो, क्रिकेट और रेसिंग के लिए एक स्थान हुआ करता था। वर्तमान में स्थान को एक गोल्फ कोर्स में तब्दील कर दिया गया है। स्थान को एक हेलीपैड के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। चैल स्थान पर दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट पिच है। द शिमला स्टेट म्यूजियम, 1974 में बनाया गया था भारत की संस्कृति और विरासत को बखूबी प्रदर्शित करता द शिमला स्टेट म्यूजियम। यहाँ आपको विभिन्न पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट कलाकृतियाँ और कुछ प्राचीन मूर्तियाँ मिल जाएंगी। चैडविक फॉल, समर हिल्स के पास स्थित यह झरना करीब 1600 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। शिमला में जल की आपूर्ति इसी झरने के माध्यम से की जाती है। कुफरी, शिमला का विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल कुफरी को कहा जाता है। यहाँ आपको स्नो स्कीइंग और आइस स्केटिंग का लुत्फ उठाने का पूरा मौका मिलेगा। धार्मिक स्थल, क्राइस्ट चर्च और तारा देवी मंदिर ईसाई और हिंदू धर्म के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल है। बाजार और हैंगआउट प्लेस, मॉल रोड, हिमाचल एम्पोरियम, तिब्बती मार्केट, मिंची और लक्कड़ बाजार यहाँ के कुछ जाने माने बाजार हैं जहाँ आप जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। हवा घर, गौरतौन कैसल, स्कैंडल पॉइंट और हाइड आउट कैफे शिमला में स्थित कुछ अच्छे हैंगआउट स्पॉट्स हैं जहाँ करीबी लोगों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारा जा सकता है। कैसे पहुँचे, रेल, सड़क, निजी और वायु माध्यम से आसानी से शिमला पहुँचा जा सकता है। जबरहट्टी में शिमला हवाई अड्डा बना हुआ है जो सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। रेल माध्यम से शिमला पहुंचने के लिए कालका रेलवे स्टेशन आपके लिए सुगम रहेगा। कालका से शिमला के लिए टॉय ट्रेन चलती है। कब पहुंचें? आप हर एक सीजन में शिमला जा सकते हैं। अप्रैल से जून यहां पर्यटकों की काफ़ी भीड़ होती है। स्नोफॉल का आनंद लेने के लिए आप दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच शिमला जा सकते हैं। कहाँ ठहरें? यहाँ ठहरने के लिए आपको बजट को लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको आपके बजट के हिसाब से ही 1000 से लेकर 15000 तक की रेंज में होटल्स मिल जाएंगे। होटल सनराइज, स्नो वैली रिजॉर्ट शिमला, होटल विक्ट्री और होटल स्नो लोटस यहाँ स्थित कुछ अच्छे होटल्स हैं जहाँ आप ठहर सकते हैं। फिलहाल के लिए पर्यटन से जुड़ी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे एक नई रिपोर्ट को लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल मीडिया दरबार से। धन्यवाद।